अरे आप अभी तक यहीं पर है, काम हो गया? जी मैम, बिल्कुल हो गया है। आपने जैसे कहा था मैंने वैसे ही दरवाजे पर पिन लगा दी है। ओके, और अंदर का जैसा कहा था वैसा ही किया है ना? वो सब भी काम हो गया है, बस अब तो अमल मैडम के आने की देर है। किसी ने देख लिया ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। प्लीज अब जाओ यहाँ से, गो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं कहीं भी रहूं, तुम मुझसे ये सवाल करने वाली कौन होती हो? तुम मेरे रूम के बाहर खड़ी हो, ये सवाल तो बनता है। कुछ चाहिए तुम्हें? ओ, तुम्हारे पास है ही क्या जो मुझे चाहिए होगा? क्योंकि जो मुझे चाहिए वो ऑलरेडी मेरे पास है, जिसे तुम बिल्कुल अलग नहीं कर सकते मुझसे। ये लकीरें भी कितनी अजीब होती हैं ना, हाथों पर हो तो नसीब बन जाती हैं, माथे पर हो तो तकदीर बन जाती हैं। जिसे जहीन से शादी नहीं करनी थी उसकी शादी हो गई, और जो जहीन से शादी करना चाहती है वो बेचारी अभी तक घुल रही है। अफसोस। मेरा तो दिल चाहता है कि तुम्हें वो बताऊं जिसे तुम्हारी आंखें खुल जाएं, लेकिन अफसोस किसी वजह से खामोश रहना पड़ता है मुझे। तुम्हारी ये फिजूल बातें खत्म हो गई हों तो मैं जाऊं? अब जो तुम्हारे साथ होगा उसके बाद तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरे फहीम की जिंदगी से निकल जाओ। मुझे माफ कर दो रेहान, मैंने तुम्हारे साथ बदतमीजी की, तुम्हारा दिल दुखाया, लेकिन तुम्हें कैसे समझाऊं कि मुझे यही सब कुछ बर्दाश्त करना है अपनी मामा और अपने भाई के लिए। क्या क्या लिखा है? मैंने आलू पालक लिख लिया है, चिकन कोरमा लिख लिया है, मसूर की दाल सांभ लिख, मसूर की दाल सलाद, नान और चपाती। हनी खीर कुछ चाहिए था? नहीं, एक्चुअली कुछ चाहिए नहीं था। मैं क्या नाम था मैम? मेरा नाम मकबूल है। हाँ, तो मैं मकबूल भाई को आज का मेन्यू लिखवाने आई थी कि खाने में क्या बनेगा। मैम मैडम ने सारा आज का मेन्यू लिखवा दिया। अच्छा, तो आपने पहले ही लिखवा दिया है। कोई बात नहीं, जो इन्होंने लिखवाया आज वो नहीं बनेगा, जो मैं कहूँ आज वो बनेगा। आज वैसे भी बासिल की फेवरेट डिश बनेगी, सारा सी फूड खाना बनाएंगे हम। वो तो ठीक है आनिया, लेकिन कासिम सी फूड
नहीं खा सकते, एलर्जी है उन्हें। कल अमल की पसंद का खाना बना था ना, फास्ट फूड। मुझे भी फास्ट फूड से एलर्जी है, मैंने तो कुछ नहीं कहा। मैम मैं जाऊं? नहीं, जो हानिया मैडम ने कहा है वो नोट कर लें और वही मेन्यू बना दें, ठीक है? जी बेहतर। चाय आप लिखें। जाओ देखो जहीन। मैम। हाँ हाँ जाओ जाओ देख। फिर कोई तमाशा। धुआं क्यों है? अमल, अमल दरवाजा खोलो। अमल, ये दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा? सर, दरवाजा खोलो, कुछ नहीं करो। मैडम, अमल, अमल उठो। सर लगता है बेहोश हो गए सर। अरे तो उठाओ इसे, जो भी करना करो उठाओ इसे। जी सर। कमरे में धुआं था बहुत ज्यादा, आई थिंक शॉर्ट सर्किट हुआ है। शॉर्ट सर्किट कैसे हो गया? अगर इसे कुछ हो जाता तो? मॉम कुछ नहीं होता, शी इज आउट ऑफ डेंजर नाउ। वैसे भी ये जिए या मरे हमें तो फर्क नहीं पड़ना चाहिए। फर्क पड़ता है, अगर इसे कुछ हो गया ना तो कासिमदाद हमें नहीं छोड़ेगा। ऐसे लोगों को कुछ नहीं होता। देखिए ना, अभी भी खांस रही है। तुम लोगों से तो मैं बाद में बात करती हूँ ना। रेहान तुम जल्दी से डॉक्टर को फोन करो। जी मैम। इसे कुछ नहीं होना चाहिए। अरे सही है, तो ठीक है, ये सिर्फ एक एक्सीडेंट है और कासिम दाद आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप हमको इतनी टेंशन दे रही हैं। तुम कासिम दाद को जानती नहीं हो महा, बहुत मकार आदमी है, हमें बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। नहीं नहीं नहीं, इसको इसको कुछ नहीं होना चाहिए। मैम डॉक्टर फोन नहीं उठा रहा। ज़हीन कुछ करो। सर मैं दूसरे डॉक्टर को कॉल करता हूँ।